आज फिर हम फिजिक्स के इलेक्ट्रॉनिक्स का ही एक टॉपिक लेके आए हैं। पिछले वीडियो में हम रेसिस्टेंस देखे थे, आज हम क्या देखेंगे, ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन कर सकते हैं ऑफ रेसिस्टेंसेस, यानी कि प्रतिरोधों का समूहन या संयोजन किस प्रकार से करते हैं और कितने तरीके से कर सकते हैं। तो इसे कहा जाते हैं, इसे जनरली दो तरह से हम कर सकते हैं, इसको कहते हैं पैरेलल सीरीज और इन सीरीज। और यदि इसी का तीसरा हम देखा जाए तो पैरेलल और इन सीरीज को दोनों को मिला दे तो मिक्स्ड हो जाता है, दोनों को मिलाने के बाद मिक्स सीरीज कर सकते हैं उसको, तो वह मिक्स सीरीज हो जाएगा। तो हम आज कुछ उसका डायग्राम देखते हैं, हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम, फिर आपको हम बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से वह सीरीज है, पैरेलल है और मिक्स सीरीज का देखते हैं, और उसका हम रेसिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस भी निकालने के लिए देखेंगे। क्लियर? तो आज हम बनाते हैं। अब देखिए, हमने यह डायग्राम बनाया, तीन डायग्राम लिया, इसको हम कहेंगे सीरीज। सीरीज इसको कहेंगे पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसको कह सकते हैं हम मिक्स्ड, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो अब देखिए, यहां पर हम इसको सीरीज या इन सीरीज क्यों कहे, पैरेलल क्यों कहे, मिक्स्ड क्यों कहे, यह बात देखिए। तो है क्या ये ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंस सीरीज का है, ग्रुप है, इसलिए इसका क्या पड़ गया, ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन करने वाले सबको कंबाइन करना, किस प्रकार से हम कंबाइन करते हैं। यहां देखिए क्या हो गया कि यह तीन रेसिस्टेंस हम लिए हैं, जस्ट एग्जांपल, और ज्यादा भी ले सकते हैं, एन रेसिस्टेंस भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए कि R1, R2, R3 तीन रेसिस्टेंस लिए, तीनों को एक ही वायर में एक सीध में हम जोड़ दिए, जैसे ये कनेक्शन किए तो इसको हम कह देंगे इस टाइप का कि सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए पैरेलल सीरीज में क्या होगा, पैरेलल जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब तीनों रेसिस्टेंस का एक सिरा एक पॉइंट पर, दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पर, सभी का कनेक्शन किया हो या जुड़ा हो, तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, प्रतिरोधों का समांतर क्रम समूहन, यानी कि पैरेलल पैरेलल। कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर इस दोनों को मिला करके यहां पर, यहां देखिए क्या हो गया, इस पार्ट को यदि आप देखिएगा, ये पार्ट को, ये पार्ट आपका क्या है, इसके जैसा है, ये वाला पार्ट इससे जो है इससे मिलता जुलता है, तो यहां पर देखिए कि पैरेलल भी है और यह सीरीज भी हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या कह दिया, दोनों मिलाने के बाद यानी मिक्स हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं इसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस। क्लियर? तो इसी का हम अब इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है, तो जैसे सपोज मान लीजिए कि 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, इस तरह से कोई तीन रेसिस्टेंस लिए। अब इस तीनों को या तो हम पैरेलल में, सॉरी, पैरेलल में या सीरीज में किसी भी तरीके से हम कनेक्शन करेंगे, तो उसकी तुल्य को कौन सा रेसिस्टेंस हम ले सकते हैं, कि इतना जा हम तीन तीन रेसिस्टेंस लेंगे उसके जगह पर कोई एक ही रेसिस्टेंस काम कर जाए। तो सपोज इसका मान लीजिए इस सब को ऐड कर देंगे, तो यदि हम इस फॉर्मूले, इसका ड्राइव फॉर्मूला निकालेंगे इक्विवेलेंट का, फिर इसका निकालेंगे, तो देखेंगे कि अब इसी तीन रेसिस्टेंस को यदि सीरीज में हम जोड़ेंगे तो मेरा इक्विवेलेंट क्या आएगा, इसी तीनों को यदि पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। सपोज हम इसको ऐड कर देते हैं एक इन जनरल, तो कह सकते हैं कि 3 एंड 4 7, टोटल 7 ओम है, यदि इस तरह जोड़ते, ये सही है, सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया। तो तीनों के बदले हम 7 ओम का रेसिस्टेंस लेते हैं तो मेरा यह काम कर जाएगा, 7 ओम का भी। क्लियर? तो आज हम देखते हैं पहले इसका, इस सीरीज में हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे, कैसे फाउंड आउट करेंगे। तो
तो देखिए कि पहले ये सीरीज कॉम्बिनेशन है क्या, तो इसका डेफिनेशन होता है जब पहला रेसिस्टेंस, फर्स्ट रेसिस्टेंस का दूसरा छोर, दूसरा का पहला छोर, फिर दूसरा का दूसरा छोर, तीसरा का पहला छोर, यह सभी आपस में जुड़ा हो और पहले रेसिस्टेंस का पहला छोर और अंतिम रेसिस्टेंस का दूसरा छोर आकर के बैटरी से जुड़ा रहता है या सोर्स से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार का जो रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो अब हम यहां पे मान लेते हैं कि हर एक पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल तो होगा। पोटेंशियल क्या है? तो पोटेंशियल किसी भी कारण है कि अनंत से, इनफिनाइट से चार्ज को लाकर किसी पॉइंट तक लाने में जो किया गया कार्य होता है, वर्क डन होता है, उसे ही कहते हैं पोटेंशियल। तो यह पोटेंशियल हो गया। अब प्रत्येक पॉइंट्स के दो के बीच में यह कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, जिसे कहते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? ऐसे इन जनरल हम लोग कह सकते हैं किसी दो पोटेंशियल यानी कि विभव के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सबका अलग हो जाएगा। यहां से यहां तक का क्या हो जाएगा? VA माइनस VB। फिर यहां से यहां तक का क्या कह सकते हैं? VB माइनस VC। फिर यहां से यहां तक का क्या कह सकते हैं? VC माइनस BD। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर इस सर्किट में I धारा प्रवाहित हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है, और सबका पोटेंशियल तो VA VB VC और VD है ही, और ये स्विच है, और सॉरी ये स्विच है, ये मेरा बैटरी है जो कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो अब इसी बात को आपको लिखना था कि माना कि R1 R2 R3 हम N तक बताई ले सकते हैं, तो ये तीन कोई रेसिस्टेंस है जिसे सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, कंबाइन किया गया है। तो अब देखिए यहां पर इस सर्किट से आई करंट फ्लो कर रहा है यानी कि आई धारा प्रवाहित किया जा रहा है। तो अब यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए अलग अलग होगा। इसके लिए R1 के लिए VA माइनस VB, R2 के लिए VB माइनस VC, R3 के लिए VC माइनस VD। और ये ओम्स लॉ जो हम पढ़े थे, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है याद कर लीजिए, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फिर उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी हटता था तो बराबर लाते थे और एक कांस्टेंट आता था वो R था, तो क्या हो गया यह ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू RI। क्लियर? अब उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब इस तीनों पॉइंट्स, तीनों रेसिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो कि यह मेरा है, अब देखिए यहां पर क्या हो गया कि पहला रेसिस्टेंस 4R1 रेसिस्टेंस, या ऐसा लिख सकते हैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस 4R1। तो क्या हो जाएगा? पहला VA माइनस VB इज इक्वल टू, देखिए यहां पर करंट क्या फ्लो हो रहा है? I, तो I हो गया। रेसिस्टेंस मेरा क्या है? R1, तो R1 हो गया। ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फिर उसी तरह से फॉर पोटेंशियल डिफरेंस किसके लिए? R2 के लिए। तो क्या हो जाएगा? R2 का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VC, VB माइनस VC इज इक्वल टू IR2।
ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। फिर अब देखते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस 4R3 तो क्या हो जाएगा तीसरा के लिए, VC माइनस VD इज इक्वल टू IR3। ये क्वेश्चन थर्ड मान लेते हैं, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। तो अब देखिए ये तीनों इक्वेशन हम यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए मेरे पास पहला क्या है, VA माइनस VB प्लस VC माइनस सॉरी VB माइनस VC प्लस VC माइनस VD है इज इक्वल टू, और यहां पर क्या है सबका, ये IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, क्लियर। अब यहां पर देखें तो VB VB प्लस माइनस कट गया, VC VC प्लस माइनस कट गया, तो मेरे पास बचा क्या, VA माइनस VD इज इक्वल टू, यहां पे देखिए सब में आई है, आई कॉमन ले लेते हैं तो आई कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3, क्लियर। अब हम क्या देखते हैं, इसको इक्वेशन वहां थर्ड हो गया था, इसको फोर मान लेते हैं। अब हम क्या देखते हैं, यह तीन रेसिस्टेंस है या जो यूज किए हैं, इस तीन रेसिस्टेंस के बिहाफ में हम कोई एक रेसिस्टेंस तो यूज कर सकते हैं, जो जिसको कहेंगे हम क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, क्लियर। तो अब देखिए यहां पर हम इस सब के बदले हम कोई एक रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं, देखिए डायग्राम वही है बिल्कुल, कुछ अंतर नहीं है, बस हम क्या किए, यहां पर इसका पॉइंट ए लास्ट ये बी, इस सभी के बदले हम कोई आर रेसिस्टेंस ले लिए, क्लियर। यह R1 R2 R3 के बदले हम कोई यदि आर रेसिस्टेंस ले लेते हैं तो इसके ओम्स लॉ तो क्या हो जाएगा, ये उसी प्रकार से पोटेंशियल डिफरेंस 4R क्या हो जाएगा, इसका भी पोटेंशियल वही होगा, यहाँ VB जो सेम है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB कह सकते हैं। तो यहां देखिए क्या हो गया, आप इसको लिख सकते हैं R के लिए VA माइनस VB इज इक्वल टू, हम क्या कहेंगे, यहां से करंट क्या पास हो रहा है, I पास हो रहा है करंट, तो हम कह सकते हैं इसको आया, क्लियर। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट ना। तो क्या क्या देखते हैं हम, यहां भी देखिए VA माइनस VD, यहां भी VA माइनस सॉरी यहां से सॉरी आई एम सॉरी 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 यहां पर D होना चाहिए, लास्ट पॉइंट था, ये D है, ये D है, तो यहां भी अभी क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहां पर क्या हो गया, VA माइनस VD दोनों सेम आ गया पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी क्या होगा, सेम होगा, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं IR1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू IR,
क्लियर। तो अब यहां पर देखिए दोनों तरफ आई आई है, ये सेम है, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो अब हम क्या करेंगे इसको, तो देखिए अब यह फाइनली मेरा क्या हो गया, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये फाइनली मेरा आ गया, ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होना चाहिए। अब इसी में कभी कभी कह देगा यदि एन रेसिस्टेंस है तो हम यहां तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपका फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समांतर क्रम का करके आपको हम दिखाएंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।